फाइनली वी आर हेयर हैवलॉक। सो हम यहाँ आ चुके हैं और ये अभी फेरी से नीचे निकल रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं और सभी टैक्सियाँ यहाँ लगी हुई हैं। ये देखिए सबका सामान आ गया है। पहुंच चुके हैं काला पत्थर। यहाँ का नाम काला पत्थर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बीच पे काले पत्थर पाए जाते हैं और ये यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ये बिल्कुल प्योर सीप है, यहाँ पे प्योर यहाँ पे मोती पाए जाते हैं। अब हम ये हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। सो वी आर गोइंग हेयर बीच पे, अब हम जा रहे हैं काला पत्थर बीच। पाँच बजे ये बंद हो जाता है। सो अब देखते हैं यहाँ पे कितना सुंदर है। अब हम यहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा बहुत पिक्चर्स लेंगे, फिर कुछ खाएंगे पीएंगे, देन हम निकलेंगे होटल। So this is Kala Pathar beach and we are enjoying here a lot, and corals are here white and black, that's why its name is Kala Pathar beach. sundar yahan pe ye paaye ja rahe hain, ye dekho jo itne costly hote hain ना, मज़ा आ रहा है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अब ये देखो एंड मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, एक्चुअली आपको दिखाना था, मैंने कहा ज़्यादा बहुत सुंदर सुंदर सा सूखा मिला। सो ये है काला पत्थर बीच, बहुत मज़ा आ रहा है। ये वीडियो बहुत लंबे होने वाली है गाइस, सो आई थिंक इसके बाद मैं थोड़ी सी ही वीडियो क्लिक करूँगी क्योंकि बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूँगी। अभी मैं फ़िलहाल यही का वीडियो बनाऊँगी, इसमें थोड़ा सा ऐड करके। तो शंख भी है यहाँ पर, डूब जाते हैं। ये देखो छोटे छोटे शंख जो कितने कॉस्टली मिलते हैं यहाँ पे। ला 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 ला। हमने जो है काला पत्थर बीच पे पिक्चर्स क्लिक कर ली है। ये देखो यहाँ पे नारियल के पेड़ है, पता नहीं ये तो नहीं है बट मिक्स है। तो अब हम पूरे कीचड़ से लथपथ हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं नारियल पानी पीने के लिए। अब नारियल पानी पियेंगे, हाथ पैर धोएंगे। तो अभी ये देखिए ये यहाँ पे नारियल पानी बना रहे हैं। कैसा होता है ये नारियल पानी? अच्छा है, फ्रेश होता है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ अभी। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वाटर बिकॉज दिस इज़ वेरी फ्रेश एंड आई हैव टू टेस्ट। पिया तो बहुत है नारियल पानी, तो इसीलिए हम यहाँ पे पी रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रेश ही मिलेगा। नारियल पानी सभी को पीना चाहिए बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। मैं वहाँ भी पीती हूँ लेकिन यहाँ प्योर एंड फ्रेश पी रही हूँ। Yeah.
हो गया, बाय बाय। तो हम यहीं पे हैं अभी, यहाँ पे जो है ये हट्स बने हुए बहुत ही सुंदर, और उधर को देखिए कितना खूबसूरत है, अंधेरा सा बिल्कुल, प्यारे से हट्स बने हैं। तो हम यहाँ आए थे पानी पीने, हाथ धोने, और अब हम डायरेक्ट होटल जा रहे हैं बिकॉज वी आर टोटली टायर्ड, दैट्स व्हाई। होटल के पास ही एक बीच है, हम वहाँ पे जाएंगे शाम को वॉक पे, और काला पत्थर बीच का हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। इज आर होटल हियर एंड हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे हमारी अभी एंट्री हो रही है, तो थोड़ी देर में मैं बनाती हूँ वीडियो। दिस इज़ द होटल, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल होटल बिकॉज ये हट्स का बना हुआ है, देखिए बत्ती की तरह, इट्स व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो अब हम फ्रेश होते हैं नहा धो के, और उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर से इस खूबसूरत प्लेस पे, इस खूबसूरत होटल पे। तो ये हमारा होटल है, यहाँ पे पीछे को स्विमिंग पूल है, अभी जाएंगे वहाँ पे, और ये रिसेप्शन है, और ये हमारे रूम की एंट्री है। बहुत सुंदर रूम्स है यहाँ पे, ये देखिए TSG रिजॉर्ट है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, ये देखिए यहाँ का नाइट व्यू, और अब हम जा रहे हैं, अभी फ्री हुए हम फ्रेश होके, सो अब हम यहाँ पे वॉकी शॉकी करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए आप कितना खूबसूरत है यहाँ पे, अभी मैं इस साइड ही हूँ, अभी हम उस साइड भी जाएंगे दूसरी साइड, वहाँ पे बीच है, पुल है स्विमिंग, एंड ये देखिए लकड़ी की चीज़ें हैं यहाँ पे, लकड़ी की चीज़ें। कहाँ गया वो स्विमिंग पूल, यहाँ है आई थिंक, आगे को यहाँ। ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ से हम आए थे, अभी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब हम बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, तो अब हम डिनर करेंगे, और यहाँ पे इतना सुंदर है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इट्स ब्यूटीफुल। सो अब हम खाना खाएंगे थोड़ी सी बात होने के बाद, कैंटीन एरिया है उस साइड का, डिनर करते हैं, खाना खाते हैं। ये देखिए यहाँ का रिसेप्शन एरिया, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द रेस्टोरेंट होटल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो लोग सभी खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे बफे सिस्टम है, ये देखिए लोग जा रहे हैं घरों की तरफ, एंड बिकॉज इट्स टू मच टाइम घरों की तरफ में, आई मीन पूरा घूमने जा रहे हैं, और ये देखो चलो मैं भी नहा धो के फ्रेश होती हूँ, देन आई विल शूट। गुड मॉर्निंग, मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ पे, सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, एंड वी आर टोटली रेडी, एंड आज हम जा रहे हैं जिसके बीच पे हमें ले जा रहे हैं, सो यहीं पे है, हैवलॉक में ही है, एंड अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने।
वेदर एंड ऑसम। वेदर तो है ही, हमारा ड्राइवर भी आने वाला है जिनको हमने बुक किया है। तो ये गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। आजो आजो आजो। हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट गुड़िया एंड पराठे एंड ऑल हैविंग ब्रेकफास्ट हियर। आई एम आल्सो हैविंग सो वी हैड डन ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट वाज टू मच यम्मी। एंड हमने जो पराठा खाया, पूरी खाया एंड छोले खाए हैं। सो अब हम जा रहे हैं, अभी हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं एलिफेंट बीच, तो वहाँ पर भी देखते हैं क्या क्या है। सुंदर मौसम और नारियल के पेड़। सो देखते हैं एलिफेंट बीच में क्या क्या है। भैया एलिफेंट बीच में क्या क्या है? मुझे वाटर एक्टिविटीज़। वाटर एक्टिविटीज़ है, ओके। तो वहाँ पर ये कह रहे हैं वाटर एक्टिविटीज़ हैं। लेट्स सी, देखो घना जंगल। तो देखते हैं वाटर एक्टिविटीज क्या क्या है वहाँ पे। जो भी राइड वगैरह हम यहाँ पहुँच चुके हैं। श्री कृष्णा टेम्पल भी है यहाँ पे। यही तो आपको टिकट कुछ समझा रहे हैं किड्स का। एलिफेंट बीच पे जहाँ हमने जाना है एंड इट्स वेरी आ रहे हैं। थैंक यू। हाँ वेलकम। सो वी आर गोइंग, ओके। ये मंदिर है, हम जा रहे हैं। बोट में जाना है, कहीं टिकट लेना है तो हम जाएंगे बोट ही में। हाँ अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। घरे जाना है यहाँ पे हमारा भी। तो ये कल वाली जगह है जहाँ पे हमारा फेरी उतरा था। ये कल वेटिंग है अहमदाबाद को। समुद्र के किनारे। सो लोग बैठ रहे हैं बोट में। क्या नाम है बोट का? कजन ब्रदर। सो वी आर सिटिंग हियर एंड यहाँ सारी बोट्स है, जाने के लिए रेडी हैं। वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होगी काफ़ी सारी। अब हम जा रहे हैं बोट में। वी आर रेडी विद दी पैकेज जो हमने पहना है फॉर सेफ्टी। एंड मैनी पीपल आर सिटिंग हेयर इन बोट, शेयरिंग बोट। सो ये देखिए समुद्र, और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, हवा काफ़ी चल रही है। सो अब शुरू होने वाला है बोट का सफर। ये चल पड़ी बोट, ये नाव वाले भैया हैं। थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ये देखो तिरंगे के साथ बोट आ रही है, इसमें कुछ सामान आ रहा है। चारों साइड धीरे धीरे ये फास्ट होती रहेगी।
जा रहे हैं लॉकर्स के लिए, बिकॉज मैं तो ड्रेस लाई नहीं हूँ, मुझे आज पता नहीं था चेंज करने के लिए चाहिए। सो वहाँ पे इधर हम जा रहे हैं लॉकर के लिए, देन विल टेक ऑफ लॉकर्स लेके ड्रेस पहन के, तब हम करेंगे स्नॉर्कलिंग। वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, पर वीडियोज़ और फोटोज़ बन जाएगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं स्नॉर्कलिंग करके आ रही हूँ और मेरे हाल बिल्कुल बाल गीले, हाथ चिपचिपे, नमकीन पूरा पानी है। अभी मैंने चेंज किया था, कपड़े हमने सूखने को डाले हैं। यहाँ पे सब लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमने सिर्फ एक एक्टिविटी करी है, स्नॉर्कलिंग। सो अभी हमारी हालत हो गई है ख़राब। अब हम जा रहे हैं पिक्चर्स लेने, जहाँ हमने फिश देखे, बहुत कुछ देखा वहाँ पर। लोगों का रश बढ़ रहा है यहाँ पे एलिफेंट बीच, एक्टिविटीज कर रहे हैं तरह तरह की, और हम यहाँ पे अपने पिक्चर्स ले रहे हैं। हमने जो भी स्नॉर्कलिंग करी है समुद्र में, वहाँ का फिश का हमारा वीडियो है, फोटोग्राफ्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हट्स बने हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे पिक्चर्स और वीडियोस बनाएंगे। 1 बजे हमारी बोट में वापसी है। ये देखिए यहाँ पे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा कर लिया है एंजॉय। सो अब हम यहाँ पे रील्स बनाने वाले हैं एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा शूट करूँगी, ठीक है जी। हेलो, अब मैं यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ। देखो यहाँ पिक्चर्स वगैरह चारों तरफ सब कुछ है। ये वाली तो बहुत दूर है। ये वाली तो यहाँ पे लगी है खाने के लिए भीड़, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हम भी कुछ खाते हैं यहाँ पे, देखिए हम खाएंगे। पहले टी शर्ट्स लेते हैं, यस नहीं पहले भेलपूरी खाते हैं। क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या है? पापड़ी चाट है, भुजिया चाट है, भेलपूरी है, झालमुड़ी है। पापड़ी चाट और भेलपूरी करते हैं ना, पापड़ी चाट और एक भेलपूरी कर दीजिए। ये आप खुद बनाते हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग से बनाने के लिए करते हैं। अच्छा जी, यहाँ नहीं है ना। ओके ठीक है, तो अब हम ये खा रहे हैं। क्या बना रहे हो? पापड़ी चाट ये बना रहे हैं, ये देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। सो अब हम इसको खाएंगे। ये देखिए खूब सारे मसाले डल रहे हैं इसमें। समुद्र के किनारे भेलपूरी और पापड़ी चाट खाने का मजा ही कुछ और है। सो इसको खाएंगे। ये देखिए नींबू डल रहा है निचोड़ के, तो जब ये रेडी हो जाएगा मैं आपको खाती हूँ, ठीक है। ये हमारा पापड़ी चाट हो गया है रेडी, ये खा रहे हैं, हम भी खाएंगे। ये देखिए यमी यमी यमी। ये यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ से हमने रेंट पे कपड़े लिए थे स्विमिंग के लिए, और ये यहाँ पे है अंडेमान की शॉर्ट्स, हमने ले ली है ब्लू कलर की, ये वाली है अंडेमानी को बार एंड पॉटलर। सो बाय दिस आए हैं, हमने इनको वैसे खिला दिया है बट दे वॉन्ट मोर। यहाँ पे सिर्फ गोल गप्पे है। ये देखो ये तो ऊपर चढ़ रहा है। ये देखो मछलियों की प्यारे प्यारे डॉगीज, पतलू पतलू राम। चलें अब वापस, ये आज की तरह से आ गया। हम तो आज वापस ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, ब्लॉगिंग करते हैं।
राधानगर बीच पे या होटल से जब रहते होते निकलेंगे तब एम जी। देखिए बारिश यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश मूसलाधार बारिश हो रही है। ये देखो हमने राधानगर बीच पे जाना था अभी घूमने, बट एनीवे हो जाएगी ठीके। अभी एकदम से लगी है बारिश, देखिए हम बस रेडी हो रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपसे ले लूँगी। ब्यूटिफुल बारिश हो रही है, गर्मी में बारिश तो छो। जैसे ही बारिश रुकती है मैं आपसे मिलती हूँ। एंटरटेनमेंट